हाय फ्रेंड, मैं मोहम्मद समीम। फ्रेंड, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पे या YouTube पे प्रयोग करके कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। जी हाँ, 101% गारंटी है, अगर आप प्रयोग करेंगे सही ढंग से तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि YouTube चैनल बनाएं, हमारे अंदर ये टैलेंट है और इस चीज़ को हम उस चैनल पे दिखाएं। और लोग चैनल बना के अपना वो टैलेंट दिखाते हैं, अपलोड करते हैं वीडियो बना बना के। लेकिन कुछ लोग की किस्मत अच्छी होती है कि वो वीडियो चल जाती है, और कुछ लोगों की किस्मत मेरे जैसा कम अच्छी होती है, उनकी वीडियो चलती ही नहीं। मैं अपने बारे में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब है, आपको अपने चैनल पे प्रयोग करना चाहिए, YouTube पे प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप के अंदर कोई टैलेंट है, गाना गाने का टैलेंट है, आप सोचेंगे हम गाने गाने का वीडियो बना बना के डालेंगे। तो आप देखिए, आप तो समझ रहे हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और मेरी वीडियो बहुत चलेगी। लेकिन ये आपका जजमेंट है, आप इसे पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए। पब्लिक को जज कीजिए कि क्या आप सचमुच में अच्छा गाना गाते हैं, जो गाना गा रहे हैं उस गाने के लिए आप परफेक्ट हैं या नहीं। ये चीज़ पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए। जब पब्लिक आपको जज करेगी तभी आपको पता चलेगा कि आप अच्छा गाते हैं। वैसे तो कोई अपने आप को बुरा नहीं बोलता किसी भी चीज़ में, लेकिन जब पब्लिक जज करके बोलती है तो वो सही होता है। तो सही कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो अपलोड करेंगे अपना, अगर वीडियो को लोग ज़्यादा पसंद करें तो समझिए आपका ये टैलेंट ओके है, आप इसी चीज़ पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो अपलोड किए, पब्लिक नहीं पसंद करे, तो आप तो अपने आप को सिंगर समझ रहे हैं लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही है, वीडियो नहीं देख रही है। तो आप और 2, 4, 10 वीडियो, 15 वीडियो अपलोड कीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स मिलता है तो प्रयोग करना चालू कर दीजिए। प्रयोग का मतलब है कि आप दूसरी कैटेगरी का वीडियो बनाइए। क्या पता कौन सा टैलेंट आपके अंदर छुपा हो जो आपको ना पता हो, वो पब्लिक आपको बताएगी कि ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी का वीडियो बनाइए आप। जैसे सिंगर हैं तो आप सिंगिंग का वीडियो बनाइए, और भी टैग का वीडियो बनाइए, एग्रीकल्चर का, गेमिंग का, किसी भी चीज़ का, बहुत सारे लाइन हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हर चीज़ पे 10 10 15 15 वीडियो बना के उस चैनल पे डालिए। उन कैटेगरी में से जो वीडियो चल गई तो वही समझिए कि यही मेरा टैलेंट है, इसी पे वीडियो बनाऊंगा तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। और ये सत्य है। और एक रास्ता और है, आप एक ही चैनल पे अलग अलग कैटेगरी की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उससे अपने आप को जज कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि आप अलग अलग 4 5 चैनल बना लीजिए और सभी पे अलग अलग कैटेगरी की वीडियो अपलोड कीजिए। जो कैटेगरी का वीडियो वायरल होगा उसी चैनल को आप मेन मान के चलिए, उसी चैनल पे ज़्यादा काम कीजिए, वो चैनल आपका 101% ग्रो करेगा। बात करते हैं आपके मिक्स कंटेंट वाले चैनल के। फ्रेंड, जिसपे आप बहुत सारे कैटेगरी के वीडियो डाले हैं एक ही चैनल पे, अगर उसमें से जिस कैटेगरी का वीडियो वायरल हो रहा उस पे ही आपको जम के काम करना है, बाकी सभी कैटेगरी को छोड़ देना है। आप ये समझिए कि यही मेरी कैटेगरी है, इसी पे वीडियो बनाऊंगा, मेरा चैनल चलेगा और 100% चलेगा ही चलेगा। फिर आप सारा चीज़ छोड़ दीजिए, जैसे सिंगिंग का कर रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए, और कुछ डाले हैं वो छोड़ दीजिए। जिस टॉपिक का वीडियो, जिस कैटेगरी का वीडियो वायरल हुआ है उसी पे काम कीजिए। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं भी एक चैनल बनाया था कॉमेडी का,
मैं कॉमेडी वीडियो बनाना चालू किया, एक वीडियो अपलोड किया, दो वीडियो अपलोड किया, तीन वीडियो अपलोड किया, कोई वीडियो चलती नहीं थी, बस उतनी ही चलती थी तो जो मुझे जानते थे, जान पहचान वाले थे, गांव के फ्रेंड वगैरह, वही लोग देखते थे, उसके अलावा कोई नहीं देखता था फ्रेंड। फिर मैंने ऐसे इंटरटेनमेंट पे वीडियो बनाया, शॉर्ट फिल्म बनाया, वाइंस बनाया, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी की वीडियो बनाया, और टेक्निकल वीडियो बनाया, एग्रीकल्चर की वीडियो बनाया, कुल मिला के ये समझिए मेरे चैनल पे फुल मिक्स कंटेंट हो गया। सिंगिंग का भी डाला, डांस का भी डाला, हर कैटेगरी के लगभग मैंने वीडियो अपलोड किया। क्रिएट करता था मैं अपनी टीम के साथ में, ऐसा नहीं कि दूसरे का कंटेंट लेता था, लेकिन कुछ चलता नहीं था। और एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था एग्रीकल्चर का, जो मैं अपने फ्रेंड के साथ में खेत में घूम रहा था, तो मेरा फ्रेंड बोला कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, ये भी लोग देखेंगे। मैं बोला इस पे क्या वीडियो बनाते हैं, बोलता नहीं बना देते हैं। उसके कहने पे मैंने वहीं हम दोनों खड़े खड़े एक वीडियो बना लिया, 17 मिनट की, एक इंटरव्यू टाइप की वीडियो 17 मिनट की बना लिया और उसे अपलोड कर दिया। और जो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डालता था, मैंने कॉमेडी इंटरटेनमेंट शॉर्ट फिल्म की लगभग 250-300 वीडियो अपलोड कर दिया था, कुछ नहीं हुआ था, चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा था। एक कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, एक दिन जो टॉप वीडियो की लिस्ट होती है उस पर मेरी नज़र गई, तो मैं देखा उसमें वही वीडियो टॉप पे आई थी जिस वीडियो को मैं बना ही नहीं रहा था, एग्रीकल्चर वाली, इंटरव्यू वाली, जो मेरा दोस्त फोर्स कर रहा था कि चलो बना बना, उसको बना के डाला था, वही वीडियो सबसे टॉप पे थी, नंबर एक, उसके व्यूज कुछ 10,000 के ऊपर थे। वो वीडियो देख के, मतलब उसकी व्यूज देख के मैं इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। और मैं उसको फिर डेली उसका अपडेट देखने लगा, दिन पर दिन उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, 500 हजार, 500 हजार व्यूज बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वीडियो बहुत ही आगे चली गई। उसी बीच में मैंने उसी टॉपिक पे एक और वीडियो बना दिया, और एग्रीकल्चर वाली, और वो भी वायरल हो गई, उसके पीछे वो भी अच्छी खासी चल रही है। तब मैं समझ गया कि मेरे चैनल पे एग्रीकल्चर की वीडियो चलेगी। फिर मैंने एग्रीकल्चर की कई सारी वीडियो बनाया, अपलोड किया, और वो वीडियो चलने लगी। फ्रेंड, हमारे दोनों एग्रीकल्चर चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी वीडियो मैं डाला था उसको मैं डिलीट नहीं किया था, और मेरा मकसद था कि इंटरटेनमेंट की वीडियो बना के चलाने का, एक अंदर से जिद थी, उसी जिद पे अड़ा था। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया लेकिन नहीं चला, उस कैटेगरी में मैं फेल हो गया। फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था कि मैं जो करना चाहता हूँ वो पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं करता था। इसी बीच मैंने एक और चैनल क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर, और उस पे एग्रीकल्चर की कुछ वीडियो मैंने बना के डाल दिए, अलग अलग खेती के बारे में, और इधर इंटरटेनमेंट की भी बनाता था दूसरे चैनल, लेकिन वो चलता नहीं था, और एग्रीकल्चर वाले पे मैं ध्यान नहीं देता था लेकिन वीडियो बनाता था। उसको भी एक दिन मैंने देखा तो उसमें से एक वीडियो बहुत ही वायरल हो चुकी थी। उसके बाद मैं देखता हूँ तो दो तीन वीडियो उसमें अच्छी खासी चल रहे हैं, जो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो पहली दूसरे नंबर पे हमारी वीडियो आती ही आती है। उस चैनल को मैंने एग्रीकल्चर का मेन चैनल बनाया और उस पे एग्रीकल्चर की वीडियो ही डालता रहता हूँ आज तक। और जो इंटरटेनमेंट का चैनल था उसको भी मैंने ठान लिया कि इसे भी एग्रीकल्चर का ही
चैनल बनाऊंगा। उसमें मैंने क्या किया, जितनी और वीडियो थी एंटरटेनमेंट की, टेक्निकल की, वाइन की, डांस की, सिंगिंग की, सारी वीडियो को मैंने डिलीट किया, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वीडियो को रखा और चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। चैनल का नाम पहले एंटरटेनमेंट के हिसाब से रखा था, फिर मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड रख दिया और आज मेरे पास एग्रीकल्चर के दो चैनल हैं, दोनों चल रहे हैं, और एक टेक्निकल चैनल है वो भी चल रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने में टाइम जाता है, हिम्मत रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे रातों रात एक ही दिन में एक ही महीने में सक्सेस हो जाएंगे, ये कभी मत सोचिए। यूट्यूब बहुत मेहनत मांगता है, यूट्यूब पे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कोई कोई एक साल, दो साल, तीन साल मेहनत करता है तब कहीं जाकर पैसा कमा पाता है यूट्यूब से। अगर आप मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो जरूर एक दिन यूट्यूब पे कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में, एक ही महीने में, दो ही महीने में मैं सक्सेस हो जाऊं, तो बहुत मुश्किल है। कोई कोई होता है, जल्दी से कोई नहीं होता है। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। अगर YouTube पे काम करना है तो कंटिन्यू कीजिए और तन मन से पेशेंस रख के कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप एक महीना दो महीना करके छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम भी खराब होएगा और YouTube पे भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। ये वीडियो शायद आपको मोटिवेट करेगा, कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है, कुछ आप मोटिवेट हुए हैं, तो कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन दिख रहे, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।